लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू फिश लवर जसवीर यूट्यूब चैनल। आज मैं आ गया शुभोदय के घर। तो कैसे हो दादा? बहुत बढ़िया है, आप बोलिए, आप कैसे हैं? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ और मेरा सब्सक्राइबर लोग भी बहुत बढ़िया है। तो आज हमारे व्यूअर्स लोगों को आप कौन सा फिश दिखाओगे? आज तो बहुत सारा फिशेज है, तो ब्रूडर साइज का कुछ दिखाऊंगा, मीडियम साइज का ब्लैक ऑरेंडा है, ट्राई कलर एंड पांडा है, ये सब कलेक्शन रुइकिन रेंचो का कलेक्शन का जो नया स्टॉक आया रिसेंटली वो वाला स्टॉक आप सब लोग को दिखाएंगे। तो दादा बहुत सारे आपका जो पुराना वीडियो है वहाँ पर कमेंट आ रहा था, मतलब डिलीवरी रिलेटेड, तो अगर वो इश्यूज को थोड़ा मेंशन करें। डिलीवरी रिलेटेड जो ज्यादातर क्या होता है, अब लोग अगर 6 पीसेस का क्वांटिटी परचेस करते उसके बाद ही डिलीवरी पॉसिबल होता है, नहीं तो कोई फायदा नहीं होता है, क्योंकि आप लोग का भी ज्यादा चार्जेबल लग जाएगा और मेरा भी जो है मेहनत वो बढ़ जाएगा। हाँ। तो इसलिए मिनिमम 6 पीसेस क्वांटिटी ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी पॉसिबल है। तो व्यूअर्स लोग, दादा जो है आप सब लोगों को बोल दिया ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी पॉसिबल है, तो आप सब लोग दादा से कांटेक्ट कर लेना। तो दादा चलिए फिश देखते हैं। तो व्यूअर्स लोग आप सब लोग देख सकते हो, ये है दादा का आउटडोर का सेटअप। ओके, तो यहाँ पर आप सब लोग देखो फिशेज है। तो हम दादा से एक एक करके सारे फिशेज का बारे में हम जान लेंगे और कौन सा क्या नाम है और इसका प्राइस क्या है, सब डिटेल्स में जानेंगे। तो लेट्स गो दादा, हमारे व्यूअर्स को आप फिशेज दिखाइए एक एक करके। फर्स्ट हम बड़ा साइज का ट्राई कलर से स्टार्ट कर रहे हैं। ये देखिए बिग साइज ट्राई कलर। ट्राई कलर, तो व्यूअर्स लोग लगभग इसका 5 इंचेस साइज होगा। हाँ, अब देख पा रहे। तो व्यूअर्स लोग, आप सब लोग क्वालिटी देखो, ट्राई कलर का बहुत बढ़िया क्वालिटी है और बहुत ज़्यादा एक्टिव है। नेक्स्ट दादा क्या दिखाओगे आप? बिग साइज का अभी मछली दिखा रहे हैं आपको। हाँ, ये देखिए पांडा, ये ट्राई कलर में। तो व्यूअर्स लोग, आप सब लोग देखो और एक ट्राई कलर, इसका भी क्वालिटी आप देख सकते हो, बहुत बढ़िया है। ट्राई कलर आया लॉन्ग टेल में, आया लॉन्ग टेल में ना। हाँ, लास्ट टाइम जो था वो सब शॉर्ट टेल में गया था, अभी सब लॉन्ग टेल में। तो व्यूअर्स लोग आप ये देखिए बटरफ्लाई टेल में ओरेंडा है। देखो व्यूअर्स लोग कितना खूबसूरत है, ओरेंडे का जेली देखो बहुत बढ़िया है। और आप सब लोग काइंडली कमेंट करो इसका क्वालिटी कैसे। तो बाकी और जितने फिश है आप सब लोगों को एक एक करके दादा पकड़ के दिखाएगा, आप सब लोग देखते रहो। टेल में पांडा, थोड़ा यूनिक कलर में पांडा। तो देखो व्यूअर्स लोग, और ये शॉर्ट बॉडी के अंदर है ना? शॉर्ट बॉडी, सब शॉर्ट बॉडी में है। हाँ, शॉर्ट बॉडी लेकिन टेल लॉन्ग है। लॉन्ग टेल, ठीक है। तो क्वालिटी लाजवाब है और आप सब लोग काइंडली कमेंट करना क्वालिटी कैसे। दादा एक एक करके पकड़ आए, आप सब लोग देखते रहिए। ये देखिए इसका जेली देखिए बाई कलर में, बहुत बढ़िया, बहुत मीडियम रोस्टेड। थोड़ा जेली दिखाइए दादा अच्छे से, बहुत ही बढ़िया। आप सब लोग देखो व्यूअर्स लोग, तो व्यूअर्स लोग आप सब लोग देखो और एक बहुत ब्यूटीफुल फिश। तो दादा इसका नाम क्या है? ओरेंडा है, बटरफ्लाई टेल में। तो आप सब लोग देखो, ये है ओरेंडा बटरफ्लाई टेल और साइज बहुत बढ़िया, बहुत बड़ा है। तो दादा इसका साइज कितना होगा? ये 5 इंचेस साइज है, 5 इंच साइज। आप सब लोग देखो व्यूअर्स लोग, टेल देख पा रहे हैं आप लोग, लाजवाब क्वालिटी, ब्लड लाइन भी बहुत बढ़िया है, कलरेशन देख के आप सब लोग समझ पा रहे हो। व्यूअर्स लोग, आप सब लोग देख सकते हो ये है पांडा। तो दादा आप ही बोलिए इसके बारे में कुछ। ये भी आपका बिग साइज पांडा है। हाँ, इसका छोटा साइज भी मिल जाएगा। हाँ, इसका छोटा साइज बहुत सारा अवेलेबल है। हाँ, ये बिग साइज है। तो इसका साइज क्या रहेगा अभी? ये देखिए आप हाथ में हम पका रहे हैं, मेरा हाथ का तो साइज बहुत बड़ा आपको पता है, ये आपका 5 टू 6 इंच का साइज है। बहुत बढ़िया, आप सब लोग देखो व्यूअर्स लोग। नेक्स्ट आप सब लोग को सारे फिशेज दिखाऊंगा रेड एंड ब्लैक में। तो आप सब लोग देखो व्यूअर्स लोग, ये है रेड एंड ब्लैक ओरेंडा, मतलब ये आस्ते आस्ते अपाची में आ जाएगा, अपाची आएगा ना। तो क्वालिटी देखिए लाजवाब है, बहुत बढ़िया। और आपको अगर ऐसे क्वालिटी फिश चाहिए आप डायरेक्टली दादा से कांटेक्ट करो, आप सब लोगों को मिल जाएगा, ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी भी हो जाएगा। और आप अगर घर पे आके ये देख के ले जा सकते हो वो तो बहुत बढ़िया है, तो कॉन्टेक्ट करके ये सारे फिश लेके जाओ। तो व्यूअर्स लोग, आप सब लोग देखो, तो दादा इसका नाम क्या है? ये शॉर्ट बॉडी में है। तो क्वालिटी देखिए व्यूअर्स लोग, बहुत बढ़िया ट्राई कलर। तो आप सब लोगों को ये सारे ट्राई कलर मिल जाएगा।
तो देखिए बेस लोग और एक फिशेस दादा ने जो है पकड़ के आप सब लोग को दिखा रहा है। तो दादा इसका नाम क्या है? सिस्किन है। तो आप सब लोग देखो, बहुत यूनिक एंड बहुत बढ़िया एक फिश, और क्वालिटी जितना भी आप सब लोगों को शो कराया कैसा लगा आप सब लोग काइंडली कमेंट करके बोलना। ओके ये दादा कौन सा वैरायटी में है? ये ट्राई कलर है ना। तो ट्राई कलर देखो, और इसका जो क्वालिटी है ये क्या और इनहेंस होगा? हाँ, ये तो छोटा साइज है, अभी छोटा साइज कलर भी चेंज होगा अभी। ठीक है दादा। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सब लोगों को अभी जो फिश दिखा रहा हूँ इसका नाम है रैंचो। तो दादा आप कुछ बोलिए इसके बारे में। ये पूरा डी शेप में रैंचो। हाँ, बहुत बढ़िया। आप सब लोग देखो एकदम जो परफेक्ट बॉडी शेप होता है। और सब लोग रेड व्हाइट वाइट कलर में, बहुत बढ़िया एंड लाजवाब क्वालिटी। ऑरेंज में है, ऑरेंज के अंदर आप सब लोग देखो व्यूअर्स लोग, रैंचो का जो ओरिजिनल क्वालिटी एंड ओरिजिनल बॉडी शेप वो मेरे को दिखाई दे रही है। थोड़ा डी शेप। हाँ, बहुत बढ़िया। ये देखिए एक रायोकिन में रुईकिन का भी जो हम्प है वो आप सब लोग देखो, ठीक है, बहुत अच्छे से दिखाई दे रही है। यहाँ पर बहुत कम क्वांटिटी का फिश है लेकिन बहुत लाजवाब है, ठीक है क्वालिटी। नहीं, आपको अभी मेरा इंडोर सेटअप दिखा रहे हैं, अभी तो आउटडोर सेटअप। तो आप सब लोग इंडोर सेटअप भी दिखाऊंगा, आप सब लोग देखते रहिए वीडियो। ओके, तो दादा हम लोगों को एक फिश दिखाई दे रही है, तो इसका नाम क्या है? रेड ओरेंडा है, सिंगापुरी रेड ओरेंडा। रेड ओरेंडा ना। तो इसका देखिए भी लोग बॉडी शेप एंड जेली देखिए, लाजवाब जेली है। इसका ज्यादा प्राइस नहीं है। हाँ, ये आपको 250-200 में मिल जाएगा। तो बहुत बढ़िया है, आप सब लोग बीएस लोग दादा से कांटेक्ट करके ये सारे फिश ले सकते हो, और बहुत क्वालिटी है फिश का, ठीक है। एक यूनिक कलर का गोल्ड फिश है दिखा रहा हूँ, बट वो थोड़ा विंटर का वजह से इसका साइज छोटा हो गया। हाँ, कलरेशन देखना। तो बीएस लोग कलरेशन देखिए, बॉडी पैटर्न देखिए, बहुत बढ़िया है, ठीक है। हेट देखिए, हेट का जेली का क्वालिटी आप सब लोग देख सकते हो, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। और आप सब लोग कमेंट करके बोलना ये सारे फिश आप सब लोगों को कैसा लगा। वाइट रुईकिन, तो बहुत बढ़िया है। लेडीज एंड जेंटलमैन, अभी जो फिश आप सब लोगों को दिखाई दे रही है आप सब लोग देखो, ये है दादा का टैंक का फिश। तो दादा यहाँ पर कौन सा फिश है और एक बार बोल दीजिए। अभी ब्लैक ऑरेंडा है मेरे पास, ट्राई कलर है, पांडा है, रुईकिन है, रैंचो है, तो बहुत सारा रेड एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन में भी फिश है। हाँ, तो आप लोग देख पाइए, क्योंकि लास्ट टाइम जो आप लोग स्टॉक देखे थे उस टाइम था शॉर्ट बॉडी शॉर्ट टेल, एंड दिस टाइम में आपका शॉर्ट बॉडी लॉन्ग टेल में ज्यादातर ऑप्शन है, एंड बटरफ्लाई एंड रोज टेल में भी कुछ ऑप्शन है एकदम, बट सब बिग साइज का माछ है। हाँ, इस टाइम तो दादा दिखाइए एक एक करके हमारे व्यूअर्स को। तो फर्स्ट स्टार्ट कर रहे ब्लैक ओरेंडा से, एकदम ये ब्लैक ओरेंडा देखिए। तो व्यूअर्स लोग आप सब लोग देखते रहिए, ये है ब्लैक ओरेंडा, क्या क्वालिटी है आप सब लोग देखो व्यूअर्स लोग, ठीक है, पूरा जेट ब्लैक, एकदम जेट ब्लैक है। जो लोग क्वालिटी समझते हो वो लोग ही समझ पाओगे इसका क्वालिटी कैसे है। समझ पा रहे कितना साइज है? बहुत बढ़िया है, दादा का हाथ और ये फिश का जो साइज है वो देख के समझ पा रहे हो, ठीक है, कितना बड़ा है। और हेड का जेली का क्वालिटी देखिए व्यूअर्स लोग, कितना बढ़िया है, ठीक है। टेल देखिए, बटरफ्लाई टेल में पूरा पूरी, तो बटरफ्लाई टेल देखिए व्यूअर्स लोग, बहुत बढ़िया। और दादा ने जो है आप सब लोगों को बटरफ्लाई टेल के बारे में डिटेल्स में बोला है वीडियो पे, जो दूसरा वीडियो हम बनाया था वो वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप सब लोग देख लेना, ठीक है। तो एक ब्लैक देखा रहो यूनिक सा। हाँ, पूरा बॉडी शेप देखिए कितना छोटा। तो व्यूअर्स लोग देखिए ये कितना क्यूट फिश, ठीक है, और कितना छोटा बॉडी शॉर्ट बॉडी के अंदर, ठीक है। तो देखिए बहुत बढ़िया लाजवाब क्वालिटी है, और ये शॉर्ट बॉडी के अंदर ना दादा। हाँ, इसका साइज ज्यादा बड़ा नहीं होगा, ये भी आपका शॉर्ट बॉडी में ब्लैक। हाँ, तो दादा जो फिशेस आप दिखा रहे हो अभी तक, ये सारे फिश अगर कोई लेना चाहते तो आपको क्या डायरेक्ट कॉलिंग करके ले सकते? हाँ, डायरेक्ट कॉलिंग कीजिए, बट कॉलिंग टाइम इज सुबह 10 बजे से लेकर रात 10 बजे।
ठीक है दादा। हाँ, और तो, अगर हम कॉल नहीं उठा पा रहे, हम डायरेक्ट मैसेज कीजिए व्हाट्सएप में, तो हम रिस्पॉन्स करेंगे। ठीक है दादा। और अगर बाहर से आप लोग कॉन्टेक्ट कर रहे हैं, तो मिनिमम क्वांटिटी 6 पीस लेना पड़ेगा। और व्यूअर्स लोग, आप सब लोग क्वालिटी देखो, और क्वालिटी अगर अच्छा लगता है आप सब लोग काइंडली कमेंट करके बोलो। और दादा ये सारे फिश का अप्रोक्स प्राइस क्या होगा अगर मेंशन कर देते थोड़ा? प्राइस तो हम मेंशन नहीं करते, डायरेक्टली मेंशन नहीं करने से भी होगा, लेकिन अप्रोक्स जितना ब्लैक देख रहे ते सोच लीजिए थोड़ा मतलब रीजनेबल में मिल जाएगा आपको। हाँ, तो व्यूअर्स लोग समझ पा रहे हो कितना बढ़िया फिश दादा, साइज आप देख पा रहे। हाँ, आई होप आपका जो कस्टमर लोग है वो आपसे फिश लेके प्राइस लेके सेटिस्फाई है ना दादा? हाँ, है बहुत सारा कस्टमर है, बहुत सारा कस्टमर उनका क्वेरी रहता है क्या ज्यादा रेट है। हाँ, बट बिकॉज ऑफ फिश डिपेंड्स ऑन क्वालिटी ऑल द टाइम। एकदम, अगर फिश का आपका क्वालिटी आप पहचानते हैं तो ऑब्वियसली फिश का रेंज ज्यादा होगा। एकदम, और इसका ऊपर इसका मेंटेनेंस जो रहता है एक फिश के लिए, एकदम खाना, आप तो विजिट किए मेरे घर में, आपको समझ में आ रहा है एकदम क्या फूडिंग होता है इसका। ठीक, ये देखिए इसका। तो व्यूअर्स लोग दादा फूड फीड रिलेटेड भी एक डिटेल्स वीडियो हमारे चैनल पे अवेलेबल है। हेड देखिए व्यूअर्स लोग कितना बढ़िया है। ठीक है, अभी विंटर सीजन है तो थोड़ा साइज इन लोग का छोटा हो गया। हाँ, बट जब गर्म पड़ेगा तो गेन करेगा। बॉडी का साइज और हेड का साइज भी ना? सब 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 दोनों। तो व्यूअर्स लोग ये मेल है, समझ पा रहे हो? बहुत बढ़िया। लेडीज एंड जेंटलमैन, अभी जो फिश आप सब लोगों को दिखा रहा हूँ, ये फिश का नाम है पांडा। ओके, पांडा गोल्ड, पांडा ओरेंडा। तो दादा आप बोलिए इसके बारे में कुछ। ये देखिए साइज आप देख पा रहे हैं। हाँ, छोटा साइज में इसका क्वालिटी देखिए, बहुत बढ़िया क्वालिटी आप सब लोग देख सकते हो व्यूअर्स लोग। एंड इतना छोटा एज में इतना बढ़िया क्वालिटी। हाँ, एक है ट्राई कलर में। तो दादा आप सब लोग को ट्राई कलर दिखा रहे हैं, ट्राई कलर का भी क्वालिटी बहुत ही लाजवाब है। टेल भी बहुत खूबसूरत है, तो बहुत ही खूबसूरत। और एक रुईकिन पकड़ कर दिखा रहा हूँ आप सब लोग, देखो भी आप लोग, ये है रुईकिन। ठीक है, तो दादा अभी कितना पीस रुईकिन आपके पास अवेलेबल है? 10 पीस अवेलेबल है ना, छोटा बड़ा मिला के ना? सब मिला कर। ठीक है, गोल्ड पीस ब्लैक भी मिल जाएगा बहुत सारा। हाँ, अंडा है पांडा, बहुत सारा स्टॉक मिल जाएगा। हाँ, तो व्यूअर्स लोग आप सब लोग दादा से कांटेक्ट करके ये सारे फिश ले सकते हो, बहुत बढ़िया क्वालिटी है। ठीक है जेंटलमैन, अभी जो फिश आप सब लोग दिखाऊंगा ये फिश है दादा का। ऊपर में एक टैंक है, नीचे एक टैंक है, तो नीचे जो टैंक है उस टैंक का फिश। तो दादा ये कौन सा फिश आप दिखा रहे हैं हमारे व्यूअर्स को? ये पांडा में है, शॉर्ट बॉडी में। शॉर्ट बॉडी ना, तो क्वालिटी देख सकते हो बहुत बढ़िया। और आपको अगर ऐसे क्वालिटी, एक ही छोटा साइज का ओरेंडा में है, बहुत ही खूबसूरत। ये देखिए पांडा, लाजवाब आप सब लोग देखो व्यूअर्स लोग, क्वालिटी ऐसे क्वालिटी फिश चाहिए। आप दादा से जरूर कांटेक्ट करो, कांटेक्ट नंबर डिस्प्ले पे शो हो रहा है, आप सब लोग देख सकते हो। ये भी पांडा दादा, थोड़ा अच्छे से दिखाइए ये वाला पांडा को। कौन सा ये वाला? हाँ, तो पांडा का इसका कलरेशन देख सकते हो व्यूअर्स लोग, अमेजिंग कलरेशन। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया कलरेशन है इसका। ये वाला पांडा देखिए इसका बॉडी शेप, ये आपका कलर चेंज हो जाएगा, एक ट्राई कलर में आ जाएगा। तो क्वालिटी एंड कलरेशन बहुत बढ़िया है फिश। जब जितना भी देखा अभी तक मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, आप सब लोग कैसा लगा आप सब लोग काइंडली कॉमेंट करें। लेडीज एंड जेंटलमैन, अभी जो फिश आप सब लोग दिखा रहा हूँ ये है पांडा। तो दादा बोलिए इसके बारे में। ये देखिए पांडा है। हाँ, ठीक है, ये ब्लैक एंड व्हाइट एंड रेड कॉम्बिनेशन में है। हाँ, आप देख पा रहे कितना एक्टिव है फिश, बहुत एक्टिव है। इसका भी साइज है 3 से 3.5 इंच होगा। ठीक है, हाँ शॉर्ट बॉडी के अंदर ना। एक फिश दिखा रहा हूँ, ये मेरा नॉट फॉर सेल, ओनली फॉर मी। अभी इसको बहुत बारी आप वीडियो में, हाँ वीडियो पे दिखे, बहुत कस्टमर का ये वाला फिश रिक्वायरमेंट में है, बट हम नहीं छोड़ते। इसका टेल का क्वालिटी देखिए व्यूअर्स लोग। हाँ, लाइक ये रोस्ट टेल है, एकदम छोटा सा रोस्ट टेल एकदम, और बहुत मेरे लिए रख दिया, बहुत क्यूट है। और ये आपके पास रहे ये हम सारे लोग चाहेंगे। हाँ, ये देखिए पांडा, बहुत बढ़िया क्वालिटी आप सब लोग देखो पांडा का। व्यूअर्स लोग आप सब लोग काइंडली कमेंट करके बोलो ये पांडा का क्वालिटी आप सब लोग कैसा लगा। अब एक बिग साइज का बाई कलर दिखा रहा है,
तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अभी आप सब लोगों को बिग साइज का बाई कलर दिखा रहा हूँ, आप सब लोग देखो। अरे आपका ये ओवल शेप में, इसका बॉडी शेप देखिए, पूरा ओवल शेप, आप सब लोग बट लॉन्ग टेल में। हाँ, लॉन्ग टेल ओवल शेप आप सब लोग देख सकते हो, ठीक है, बढ़िया है। कलरेशन देखिए, कलरेशन और बॉडी पैटर्न बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो व्यूअर्स लोग, अभी तक आप सब लोग को वीडियो कैसा लगा आप सब लोग काइंडली कमेंट करो, ठीक है। तो अभी आप सब लोग दिखाऊंगा रुई किन, तो दादा ही दिखा रहा है आप सब लोग को बॉडी शेप, देखिए बॉडी शेप एंड हार्म का साइज देखो व्यूअर्स लोग, कितना बढ़िया है। और इसका बॉडी जो बॉडी शेप एंड हार्म का साइज वो इंक्रीज तो जरूर होगा ना दादा, ऑब्वियसली। हाँ, तो क्वालिटी लाजवाब, ठीक है। जितना भी फिश अभी तक मैं तो देखा, मेरे को सारे, ये देखिए साइज छोटा है बट इसका क्वालिटी देखिए। ये क्या है दादा, ट्राई कलर और बाई कलर कौन सा है? ये ट्राई कलर में है। हाँ, इसका जो मेन चीज है इसका फेस। हाँ, एक बार फेस देख लीजिए, फेस देखिए भी असल कितना क्यूट है, ठीक है। हाँ, बहुत रेयर फेस रहता है, व्हाइट एंड रेड में रेयर फेस देखिए, लवली फेस क्वालिटी देखिए, फेस से आप सब लोग देखो, और बहुत क्यूट है फिश, ठीक है। एक शॉर्ट बॉडी में ओरेंडा देखिए, हाँ बहुत बढ़िया। तो ऐसे क्यूटनेस सिर्फ दादा के पास ही मिलेगा फिशों का, ठीक है। ये देखिए, ये जो फिश है, हाँ, इसका कलरेशन बहुत अच्छा है, बट हाँ, ये लॉन्ग बॉडी में, लॉन्ग बॉडी के अंदर ना दादा, बट अच्छा फीडिंग होगा तो ये हाँ, आपका बॉडी शेप अच्छा हो जाएगा, बॉडी शेप चेंज होगा। हाँ, ये लॉन्ग बॉडी में, ठीक है। तो कलरेशन इसका बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया कलरेशन भी बहुत बढ़िया है, ठीक है। देखिए व्यूअर्स लोग, और आप सब लोग कमेंट करिए इसका क्वालिटी कैसा लगा आप सब लोगों को, ठीक है। ये देखिए, तो देख सकते हो नेक्स्ट फिश, ये दादा रोस्ट टेल के अंदर है क्या? ये देखिए, ज्यादातर बटरफ्लाई टेल ही है। हाँ, बट फिश का ऊपर डिपेंड करते हैं उसका क्या क्वालिटी रहता है, वो ऑटोमेटिकली जब बड़ा गेन होता है तब रोस्ट टेल में आ जाता है कुछ कुछ फिशेस, बहुत बढ़िया। बट इसका लेस देखिए ऊपर में उठा हुआ है, हाँ बहुत ही खूबसूरत। तो व्यूअर्स लोग, अल्टीमेटली आप सब लोगों को टैंक दिखा देता हूँ पूरा, ठीक है दादा, और जितना फिश है वो भी आप सब लोगों को दिखाएगा, तो देख सकते हो, ठीक है। बहुत बढ़िया सेटअप किया है दादा ने, दादा का ये नीचे का जो टैंक है वो भी देख सकते हो, मैं थोड़ा ऊपर से आप सब लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पर भी बहुत सारे फिश है, आप सब लोगों को एक एक करके ज़रूर दिखाऊंगा। आप सब लोग क्या करो, वीडियो पूरा देखते रहो, ओके। तो शुभोदा, हमारे व्यूअर्स को जो है बहुत सारे क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन में जो मेन क्वेश्चन है, फिशों का प्राइस क्यों इतना हाई होता है, और कौन सा फिश का मतलब प्राइस रिलेटेड बहुत इशू रहते हैं, ये अगर आप थोड़ा मेंशन कर देते। देखिए, फिश प्राइस रिलेटेड हम पहले बता दे रहे हो, बहुत सारा कस्टमर है, बहुत सारा कस्टमर कॉल करके बोलते हैं नहीं प्राइस बहुत ज्यादा है, उस तरह मुझे कम मिल रहा है, इधर कम मिल रहा है, ज्यादा मिल रहा है, आपका भी कम है, ऐसे मेरे पास भी कॉल आता है, मैसेज भी आता है। बट बात है क्या ना, फिश डिपेंड्स ऑन क्वालिटी। अगर दूसरा सेलर भी कोई दाम से बेच रहा है, उसका मीन्स उसका अच्छा क्वालिटी है। अगर हम भी बेच रहे हैं कोई दाम से, वो होता है अच्छा क्वालिटी का, अच्छा क्वालिटी। उसके बाद होता है अच्छा क्वालिटी तो हम लोग लेते हैं, उसके बाद होता है फिश का फीडिंग, हम क्या फीडिंग कर रहे हैं, क्या फीडिंग कर रहे हैं, कैसा उसका केयरिंग कर रहे हैं, तो उसका ऊपर भी दाम जाता है। दाम अगर कोई नौकरी कर रहा है और नौकरी में उसका हार्डवर्किंग के लिए उसको इनकम मिलता है, इनकम मिलता है, तो ये भी जो फीस केयरिंग होता है, फीस चेकिंग करना पड़ता है, हर एक चीज वो एक तरह का नौकरी है, उसमें भी तो उसका भी तो इनकम एकदम करना चाहिए एकदम। और एक फीस के लिए कोई भी फीस सेलर हम बोलते हैं ज्यादा प्राइस नहीं देता, बिकॉज ऑफ मार्केट में जो वैल्यू चल रहा है हर एक पर्सन का पास सेम वैल्यू, सेम वैल्यू ही चल रहा है। कोई पर्सन होलसेल में फिश बाइंग कर रहा है, रिटेल कर रहा है, उसके लिए सस्ता होता है, कोई पर्सन रिटेल में चूज करके फिश बाइंग करता है, उसके लिए ज्यादा पड़ता है, यही बात है एकदम, ठीक है दादा। कस्टमर को हम ऑलवेज सजेस्ट करेंगे, अगर कोई आप फिश खरीद रहे, आपको मिल रहा है गोल्ड पीस, आपको 50 रूपये में मिल जाएगा, गोल्ड पीस आपको 50,000 में मिलेगा, ठीक है। तो जो आपको 50 रूपया से आप पे कर रहे हैं, 200-300 और ज्यादा देकर अच्छा क्वालिटी, अच्छा क्वालिटी लीजिए, वो भी हम लोग का पेड है, जो आपका साथ बहुत साल जी पाएगा, कोई बात है एकदम। तो दादा बहुत अच्छे से आप सब लोगों को समझा दिया, आप सब लोग ये बात को याद रखना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दादा से। तो दादा, हमारे व्यूअर्स को थोड़ा विंटर रिलेटेड टिप्स अगर देते, बहुत सारे इश्यूज रहते हैं, ठीक है, विंटर पे हीटर यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, गोल्डफिश के लिए हीटर लगता है, गोल्डफिश को विंटर पे क्या फीडिंग कराना चाहिए, ये रिलेटेड बहुत सारे
इश्यूज रहते हैं तो वो रिलेटेड आप थोड़ा बोल दीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बोल देते हैं गोल्डफिश रिलेटेड जो इंटर सीजन बॉस एक्चुअली होता है गोल्डफिश कोल्ड वाटर फिश, ठीक है, ये पूरा मेन टॉपिक में कोल्ड वाटर बट विंटर सीजन दे गोल्डफिश का मिनिमम टेम्परेचर रहना चाहिए 26 to 28 डिग्री में, थर्मोस्टर से आप चेक कर सकते हैं। बट हम सजेस्ट करेंगे जैसे आपका वेदर टेम्परेचर, इस सीजन हम लोग का टेम्परेचर उतर गए थे 12-13 बहुत कम हो गया, तो इसलिए क्या है जब विंटर पड़ रहा है इस सीजन खत्म हो जाता है विंटर, जब विंटर पड़ रहा है उसमें से आप एडवांस में हीटर यूज कीजिए, एडवांस में हीटर सेटअप कर लीजिए पानी में जब विंटर के पहले हो रहा है विंटर आ रहा है, एडवांस में हीटर यूज कर लीजिए, टेम्परेचर डायरेक्ट सेट कर लीजिए, पानी कम चेंज कीजिए, उस टाइम में रॉक सॉल्ट पूरा डायरेक्टली रॉक सॉल्ट से पूरा पानी भर दीजिए, तो क्या होगा जब आपका फिश रह रहा है उसका वो इफेक्ट नहीं पड़ेगा बट विंटर सीजन में व्हाइट स्पॉट फंगस दिखा देता है, तभी भी आपको लग रहा है क्या व्हाइट स्पॉट हो रहा है, इसके लिए अलग से डॉक्टर टैंक रहती है विंटर सीजन के, उसको अलग करके नॉर्मली रॉक सॉल्ट से आप ट्रीटमेंट कीजिए ठीक हो जाएगा, अगर उससे भी काम नहीं हो रहा है मिथाइल ग्लू यूज कीजिए, और ज्यादा केयर टेकिंग करने से प्रॉब्लम हो जाता है फिश का, ज्यादा करने से प्रॉब्लम है, ठीक है, मेरा भी देखिए ज्यादा नहीं करते नॉर्मली अच्छे रहते हैं, और ज्यादा हैंड टच विंटर के लिए एकदम अच्छा नहीं है ना कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है मछली के लिए, और विंटर टिप्स में देखिए आपका टेम्परेचर फॉलो कीजिए तो ठीक रहेगा, बहुत कस्टमर मुझे कॉल करते हैं आपका फिश का हीटर में, मैं तो हीटर यूज नहीं करता, हम पहले फोन हम उनको बोल देते आपका टेम्परेचर पहले चेक कीजिए क्या है उसके बाद आप फिश बाइंग कीजिए, बहुत कस्टमर मेरे पास डायरेक्टली फिश मांगता है कम आज को चाहिए, हम बोल देते आप जब फिश लीजिएगा उसका पहले दिन मुझे कॉल कीजिए, क्योंकि हम फिश को फिर फीडिंग नहीं कर रहे अगर हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं फिश तो उसका प्रॉब्लम आ सकता है, बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है, जैसे हम लोग का गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होता है फिश का भी होता है, वही प्रॉब्लम बहुत सारा है, ठीक है, विंटर टॉपिक इतना जरूरी है, आप देखिए लास्ट टाइम मेरा विंटर में बहुत सारा मछली डेड हुआ था, लास्ट विंटर में तो मेरा कुछ गलती था इसलिए मेरा डेड हुआ था, दिस सीजन एकदम परफेक्ट है, कुछ नहीं हुआ, तो गलती से ही सीखना पड़ेगा हम लोग, लर्निंग इज एंडलेस, यस, उसका कोई खत्म नहीं है, ठीक है दादा। तो दादा आप जितने भी फिश दिखा है ये सारे फिश अगर कोई लेना चाहते तो कैसे आपसे कांटेक्ट करे या कैसे ले, अगर डिटेल्स इन्फॉर्मेशन दे देते, मेरे पास अभी बहुत सारा फिश है अगर आप देख लिए तो और भी बहुत सारा सेटअप आज तो आपको मछली दिखा नहीं पाया, ठीक है, तो मेरे पास अगर कलकत्ता में है कलकत्ता के लिए स्टेशन डिलीवरी पॉसिबल है जिसके लिए चार्जेबल है स्टेशन डिलीवरी, और अगर आप कलकत्ता में कोलकाता में कहीं भी लोकेशन बोल रहे हैं उबेर डिलीवरी के लिए उबेर डिलीवर रैपिडो पोर्टर वो हम भेज देंगे, वो चार्जेबल आपका होगा, ठीक है, अब मछली का जो फीस रहेगा और बाहर के लिए मिनिमम क्वांटिटी 6 पीस रिक्वायर, क्योंकि विदाउट 6 पीस हम लोग जो पैकेजिंग कॉस्ट पड़ जाएगा वो कस्टमर के लिए भी लॉस होगा ना, ठीक है, और मेरे लिए भी वो हैरेसमेंट होगा, 6 पीस नहीं होगा 2 पीस के लिए क्योंकि मेरा सब कुछ में कॉस्ट पड़ जाएगा, इसलिए कस्टमर का भी कम हो और फीस ज्यादा जाए उसके लिए 6 पीस मिनिमम क्वांटिटी बाहर के लिए, ठीक है दादा। और दादा बहुत सारे लोगों का ऐसे मतलब क्या बोलो ऐसे रहते हैं विंटर पे फिश लेने मतलब डर रहते हैं ऐसे, तो उसमें क्या होता है विंटर में किसी का टैंक में वो फिश मर गया, बहुत सारा कस्टमर या बहुत सारा हॉबीज को जिसको पता नहीं, मुझे भी पहले पता नहीं था आज से बहुत साल पहले, तो एक क्या होता है ना कोई टैंक में कोई फिश इंजोर्ड है मतलब उसको इफेक्टेड है उसको साइड नहीं किया तो उसका जो प्रॉब्लम है वो हर एक फिश में आ जाता है तो उस टाइम मर जाता है, तो जब फिश मर जाता है तो बहुत कोई सोचता है नहीं विंटर सीजन के लिए फिश मर जा रहा है इसलिए कोई बाइंग करना नहीं चाहता, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जब फिश को आप देख रहे देखिए किस फिश में प्रॉब्लम आ रहा है विंटर के लिए उसको साइड कर दीजिए अलग से एक डॉक्टर टैंक रखे मोस्टली विंटर सीजन के लिए, तो क्या हुआ कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा और आप भी दूसरा कलेक्शन सब बाइक कर पाएंगे तो आपका अंदर से डर चला जाएगा क्योंकि हम लोग भी जहाँ से फीस लाते हैं हम लोग का भी कॉस्टिंग पड़ता है हम लोग भी डर लेकर रख सकते हैं, मतलब सीजन रिलेटेड कोई इश्यूज नहीं है, सीजन रिलेटेड नहीं है, देखिए ये हम लोग का भी जैसे इंसान का होता है ऐसे मछली का होता है पेट का होता है, जैसे विंटर पड़ा मेरा भी तबीयत खराब है बहुत किसी का तबीयत खराब है, ये जस्ट अ नॉर्मल
हेल्थ इशू, हाँ, और कुछ नहीं है। ठीक है दादा, तो दादा आपका कॉन्टेक्ट डिटेल्स थोड़ा शेयर कर दीजिए। मेरा कॉन्टेक्ट डिटेल ऑलरेडी आपका वीडियोस में है एकदम, तो फिर हम रिपीट करते रहे। मेरा नाम है शुभो, फेसबुक आईडी है मेरा शुभो गोल्डन, उधर में भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी है शुभो गोल्डन, ठीक है। तो मेरा कॉन्टेक्ट डिटेल्स है 9674316700। इस नंबर में आप व्हाट्सएप कीजिए अगर हम कॉल रिसीव नहीं कर पा रहे, और ज्यादातर हम मैं बाहर में रहता हूँ, तो व्हाट्सएप कर दीजिए, ऑल डिटेल्स आप लोग को मिल जाएगा। और किसी को अगर फीस रिक्वायर है तो मुझे एडवांस में एक दिन पहले कॉल कीजिए। ठीक है दादा, ठीक है, ठीक। और एक मेरा बात था, बहुत सारा कस्टमर जैसे बोलता है, जैसे हम लोग फीस सेलिंग करते हैं, ठीक है, तो उसमें कस्टमर, बहुत सारा कस्टमर बोलता है कि कैश ऑन डिलीवरी, कैश ऑन सीओडी, नहीं ये सीओडी इज नॉट पॉसिबल, एकदम इम्पॉसिबल नहीं है। आज हम मछली पैक करके भेज दे रहे हैं, उसका पेमेंट नहीं आया, फिर मेरा पर मछली का भी प्रॉब्लम, ट्रेवलिंग, देन कस्टमर का पेमेंट। तो इसलिए क्या करते हैं, पहले जब हम पैकेजिंग स्टार्ट कर रहे, ये मेन होता है, पैकेजिंग स्टार्ट कर रहे एडवांस, उसके बाद आफ्टर पैकेजिंग हम फुल पेमेंट लेते हैं, जहाँ जिस मेथड में हम भेज दे रहे तो उसका डिटेल्स, ऑल डिटेल्स भेजकर हम भेज देते हैं। मेनली ये एक ट्रस्ट होता है, हाँ, जो ट्रस्ट करके आपको कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा। कस्टमर हाँ, है उन लोग को सब पता है कैसा, हाँ, उन लोग डायरेक्ट कॉल करते हैं, भेज देते हैं। ठीक, तो आप सब लोगों को ट्रस्ट रहना पड़ेगा, ठीक है। ये ऐसे नहीं है, सीओडी नहीं करके भी आप पेमेंट करके आप घर में कर भी आकर विजिट कर सकते हैं, सुबह आना पड़ेगा, नहीं तो वो हम फोन करने से हम बोल देंगे तब के आना पड़ेगा। ठीक है दादा, थैंक यू सो मच दादा, आज हमारे व्यूअर्स को टाइम देने के लिए। आपको भी थैंक यू।